ये काफी मुश्किल है, ये लेवल तो हार्ड नहीं सुपर हार्ड है। अच्छा लाओ मुझे दो, मैं इसे 3 सेकंड्स पे कर लूंगी। नहीं रुक जाओ, बस हो ही गया है। तुमने कर लिया या नहीं? लाओ मैं कर देती हूँ। हो गया, मैंने लेवल 5 पार कर लिया। अच्छा किया ना। हाँ हाँ कर तो लिया, पर देखो तुमने कितनी देर लगा दी। लगता है तुम B28 गैलेक्सी में खो गए थे। अरे नहीं, वो तो बिल्कुल आसान था, वो गैलेक्सी तो बहुत जल्दी पार हो गई थी। अच्छा और एस्ट्रॉइड फील्ड के लेवल में तुम्हारा क्या हाल हुआ था? मैं तुमसे बहुत तेज थी, मेरी ट्रिक्स तुमने अभी तक देखी नहीं है। अच्छा जैसे कि कौन सी ट्रिक्स? वो दोस्तों तुम दोनों को याद भी है कि असली दुनिया में कल हम डार्क साइड के साथ खेलने वाले हैं। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि असली दुनिया में मुझे ऐसी ट्रिक्स आती हैं जो लूना ने नहीं देखी है। तुम कुछ भी मत बोलो, मैं साबित कर सकता हूँ। ये देखो, तो बताओ क्या तुम ये कर सकती हो लूना? तुम बस देखते जाओ और मुझे दो। हाँ मैं तो कर सकती हूँ, बोलो अब क्या कहते हो। लो हो गया, देखो टिपेक्स, मैंने ये कैमरा ठीक कर ही दिया। हाँ हाँ मैं तुम्हें खाना जरूर दूंगा, पर पहले मुझे जाकर बच्चों से मिलना है, तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। हो गया, मुझे बस इतना ही करना है। हाँ, ये तो आसान है। अब तुम दोनों बस करोगे प्लीज, अगर ऐसा ही करते रहे तो हम लेट हो जाएंगे। नहीं फिक्र मत करो। हे सामी, मैं ये चीज दोनों आंखें बंद रख के कर सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा ध्यान से देखो। हाँ, मैं देख रहा हूँ। जा रही हो क्या? मुझे मुंह पूरा तो करने दो। हो गया। बहुत अच्छी लूना। थैंक यू। तो क्या तुम्हें चैलेंज मंजूर है? तुम ये कर सकते हो? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। दोस्तों बहुत हुई तुम्हारी ये शोबाजी। पता है ग्रेग और जोई चैलेंज सुनने के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ सही कहा इनेस, हमें लेट नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, डर गए क्या? सैमी क्या तुम हार मान रहे हो? क्या सैमी डर गया? कम ऑन, तुम लड़कियों की ट्रिक्स तो कर ही सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें क्या लगता है लड़कियों की ट्रिक्स करना आसान होता है? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है तो फिर दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। हमें जाना चाहिए, पॉल ने सबको चैलेंज सुनने के लिए बुलाया है। बिल्कुल चलो चलते हैं। ओह देखो आ गए। हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने ट्रेन मिस कर दी थी? नहीं सॉरी, सब सैमी और लूना की गलती है, सुबह से वो एक दूसरे को चैलेंज किए जा रहे हैं। लूना सैमी हम सब रुके हुए हैं। सॉरी बात यह है कि लूना मान ही नहीं रही कि मैं कुछ मूव्स उससे बेहतर कर सकता हूँ। तुम चुप रहो, बॉल इसके पास है तो जाहिर है मैं आपको नहीं दिखा सकती कि मैं सब कुछ इससे बेहतर कर सकती हूँ। बॉल मुझे दो ताकि मैं करके दिखाऊं। देखो देखो ये मसला बाद में सुलझाना, यहाँ पर सब डार्क साइड का चैलेंज सुनने के लिए रुके हुए हैं, इसलिए शांत हो जाओ। शुक्र है, थैंक यू पॉल। ठीक है जना, अब बताओ। कल के गेम में हर टीम को गोल करने से पहले बॉल को सामने वाली टीम के कम से कम 2 प्लेयर्स के आगे ड्रिबल करना होगा। ठीक है तो टीम, तुम्हें चैलेंज मंजूर है? बाप रे, शायद सैमी को चैलेंज मंजूर नहीं है। ओ प्लीज मुझे मंजूर है। बिल्कुल हमें ये चैलेंज मंजूर है। क्या उन्होंने सच में हमसे पूछे बिना हाँ कह दी? तो ठीक है, चैलेंज तो मंजूर हो गया है, अब ये बताओ कि कौन सी फील्ड पर खेलोगे? हम वेस्ट प्रोमिनेंट में खेलेंगे। परफेक्ट, हम कल गेम के लिए वहीं मिलेंगे। वैसे तुमने हमसे पूछे बिना वो फैसला कैसे कर लिया? तुम क्या बोल रहे हो? वो चैलेंज तुमने हमसे बात किए बिना ही उसे मंजूर कर लिया। तुम लोगों ने कुछ कहा ही नहीं। हमें मौका ही नहीं मिला, हम कुछ बोलते उससे पहले ही तुम दोनों मान गए थे। सही कहा। आखिर तुम दोनों को आज हुआ क्या है? दोनों आपस में ही उलझे हुए हो, हम तो जैसे हैं ही नहीं। तुम सब देख रहे हो ना, वो एक दूसरे से ज्यादा खुश नहीं लग रहे। हमें इस बात से फायदा हो सकता है। चलो ग्रेग शुरू करो, उसे मुझे पास करो, देखते जाओ उसके बाद मुझे बताना तुम ये कर सकती हो या नहीं। ये क्या पागलपन है, दोनों ट्रेन से उतरने के बाद से ही ऐसा कर रहे हैं। आई होप ये लोग जल्दी शांत हो जाएं। फिक्र मत करो, आई एम श्योर टैग के साथ प्रैक्टिस करते हुए वो दोनों रुक जाएंगे। मेरे पास लोगों को शांत करने का एक अच्छा तरीका है। अच्छा वो क्या है? एक रिलैक्सेशन और कॉन्सेंट्रेशन मेथड। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था ताकि मैं अपनी क्लास में ध्यान दे सकूं। और क्या वो काम करता है? कॉन्सेंट्रेशन के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, पर रिलैक्सेशन जरूर होता है, ये हर मैथ्स क्लास में हो जाता है। कोई लेना देना नहीं है मैथ्स से, तो मुझे हमेशा नींद आती है। हाँ, जैसे तुम तो बड़े फास्ट हो। ठीक है दोस्तों, इस चैलेंज में हर बार स्कोर करने से पहले तुम्हें सामने वाली टीम के 2 प्लेयर्स के पास से ड्रिबल करना है। इतना मुश्किल नहीं होगा, हम तो हमेशा ही ऐसा करते हैं राइट? पर अगर सामने वाला डिफेंस ना करे तो तब तुम उनके पास से ड्रिबल कैसे करोगे? अगर ऐसा हुआ तो दिमाग चला कर खेलना होगा। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ग्रेग सोचो तुम गोल के सामने अकेले हुए तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, मैं बॉल शूट नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली
इसलिए तुम्हें जाकर डार्क साइड के दो प्लेयर्स को ढूंढना होगा, उनके पास से ड्रिबल करना होगा और उसके बाद ही गोल पर आकर शूट करना होगा। पर जब वो शूट करने वापस आएगा तो डार्क साइड वाले भी गोल को डिफेंड करने आ जाएंगे। इसीलिए तो तुम्हें बहुत तेज होना होगा, हमेशा अटैक पर रहना होगा, है ना सैमी? सैमी? 25, 26, 27, 28। देखना, मैं 40 तक आराम से कर लूंगा। सैमी, लूना, तुम सुन रहे हो या नहीं? तुम नहीं कर पाए, मैं जीत गई, मैं जीत गई। कल के गेम का क्या, उसे क्या ऐसे ही जीतने वाली हो? हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मजाक मत करो, जब से यहाँ आए हैं तुम दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो। देखो, बस इतना याद रखो कि कल के गेम में तुम्हें साथ मिलकर खेलना होगा। कमाल हो गया, कल गेम में वो सभी गड़बड़ करने वाले हैं, मजा आएगा। हाँ, जीत हमारी। चलो चलते हैं, आवाज मत करना। ओके टीम, चलो प्रैक्टिस करें। मैंने कहा था ना, प्रैक्टिस में ये करना एक बात है, पर देखना पड़ेगा तुम ये गेम में कर पाती हो या नहीं। तुमने कहा था ना, तुम्हारे पास लोगों को शांत करने के लिए एक रिलैक्सेशन मेथड है, उसे आजमाना होगा। हाँ, क्यों नहीं। सही कहा, शायद सैमी और लूना पर उसका कुछ असर हो जाए। बस उम्मीद करो। ठीक है, इस तरह अपने हाथ ऊपर उठाओ, अब गहरी सांस लो जैसे कि तुम लेते हो, फिर सांस अंदर लेने के बाद ऐसा करो, थोड़ा सा ऊपर होकर, उसके बाद अपने हाथ नीचे लो, ओ हाँ, और उसके बाद अपनी सांस आराम से छोड़ो। तुम 50 सेकंड तक सांस नहीं रोक सकती। रोक सकती हूँ। ठीक है, मैं गिनता हूँ। 1, 2, 3। ये क्या कर रहे हो? 6, ये ठीक नहीं है दोस्तों। 9, 10, 11, 12। सॉरी जोई, पर मुझे लगता है मैं प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, तुम्हारी तरकीब काम नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, सब तैयार हैं? चलो अब ध्यान से सुनो, हमें गोल करने से पहले दो प्लेयर्स के पास से ड्रिबल करने की प्रैक्टिस करनी है। दो दो की दो टीम्स बनाओ। सैमी तुम्हारे साथ होगा। सैमी के साथ रहना है। शर्ट लगा लो, तुम 15 सेकंड्स में बॉल ड्रिबल करते हुए स्टैचू तक जाकर वापस नहीं आ सकते। मुझे पूरा यकीन है तुम नहीं कर पाओगे। मैं ये 10 सेकंड्स में कर लूंगा। रुको, क्या तुम दोनों ये बाद में नहीं कर सकते? इस वक्त प्रैक्टिस जरूरी है। अब चलो, दो दो टीम्स, सैमी और लूना, ग्रेग और इनेस, एक दूसरे के पास से ड्रिबल करो। जाने दो लूना। अच्छा, ये देखो। नहीं कर सकती। एक ड्रिबल, मैं तुम्हें रखूंगा। दूसरा ड्रिबल, अब तुम लो इनेस। यस। शाबाश ग्रेग, शाबाश इनेस। तुम सब ड्रिबलिंग करते हुए भी अपने सबसे बड़ी ताकत को मत भूलना, जो है साथ काम करना। और अब सैमी और लूना की बारी है। हम कर लेंगे, बस देखते जाओ। तुम दो से ज्यादा ड्रिबल नहीं कर पाओगी। मैं कर लूंगी। ये था पहला, ये था दूसरा। संभल कर जोई, वो शूट करने वाली है। ये क्या कर रही हो, शूट नहीं करोगी क्या? अभी नहीं, ये था तीसरा, ये तो चौथा। अब लो। तुम दोनों आखिर ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ, हम यहाँ ड्रिबलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यहाँ यही करने आए हैं ना? और मैं भी प्रैक्टिस करने ही आया हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे सामने गोल करने की कोशिश करनी होगी। फिक्र मत करो, हम गोल करेंगे दोस्त। हाँ, पर तुम एक साथ 3 गोल्स नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, चलो बॉल पास करो जोई। अब बहुत हुआ, तुम दोनों हमें पागल कर रहे हो। सुबह से देख रही हूँ कि तुम दोनों आपस में ही उलझे हुए हो। तुम दोनों में टीम स्पिरिट जैसा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है, हम अभी एक टीम है। मुझे नहीं दिख रहा। इनेस बिल्कुल सही है, तुम दोनों तो एक दूसरे को ऐसे चैलेंज करते जा रहे हो जैसे कि हम लोग यहाँ है ही नहीं, हम बस ऑडियंस बनकर यहाँ रह गए हैं। और तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। रुको, अब हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, सब लोग शांत हो जाओ प्लीज, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है टैग। हाँ यही ठीक रहेगा। अरे हाँ, सुनो, शर्त है कि तुम 1 मिनट तक बिना आंखें चिपकाए मेरी आंखों में नहीं देख सकते। हाँ, चलो हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये गलत है, तुमने मेरी आंखें शर्ट लगी तो मुझसे बॉल नहीं ले सकते। मैं जीता, लूना ने मुझसे पहले आंखें बंद की थी। झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुमने पहले आंखें बंद की। ठीक है, बहुत हुआ, बस बताओ तुम मेरे साथ खेल रहे हो या नहीं। मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल सही हो जोई, एक्चुअली ये तुमसे डरते हैं। ऐसा नहीं है। चुप रहो स्लाई, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। शायद, पर फिर भी तुमने कभी अपने गोलकीपर से बॉल को लेने की कोशिश नहीं की है। मैं दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। हे, समझ में नहीं आ रहा कि जोई कहाँ रह गया। उसने कहा था कि वो सैमी और लूना को देखने जा रहा है। आई होप वो भी उन जैसी हरकतें ना करने लग जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इनेस, मैं जोई को जानता हूँ और मुझे लगता है वो जरूर उन पर अपना रिलैक्सेशन मेथड आजमा रहा होगा। क्या सच में? हाँ, तुम आराम करो। तुम बॉल कभी नहीं ले पाओगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? देखते जाओ। कौन कहता है गोलकीपर्स को ड्रिबल करना नहीं आता? जोई, पर मैं वो बॉल तुमसे ले लूंगा तुम्हारे सपने में। ये देखो, सॉरी लूना। चलो उसे पकड़े। हाँ, कर लेंगे। अरे मुझे उसको। ओह नो।
पॉल बहुत गुस्सा होने वाले हैं। अब हम क्या करें? तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने। स्लाई मैं कहती हूँ रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। उसे जाने दो, वो डरपोक है। अच्छा सुनो, क्यों ना ये कैमरा हम खुद ही रिपेयर कर दें? कर देते अगर करना आता तो। मुझे आता है, मैंने एक बार अपने पेरेंट्स का कैमरा खोला था, पर हाँ तब से वो काम नहीं कर रहा। और तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। गुड, चलो चले। हमें उसे कैमरा के बारे में बता देना चाहिए। नहीं। क्या हुआ, क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं कुछ नहीं। ठीक है तो चलो चले। आते हैं। तुम आगे चलो। ओके, सब तैयार हैं? अगर ये एक दूसरे को फिर से चैलेंज ना करे तो। अच्छा ठीक है, हम नहीं करेंगे। हाँ ये मान गए हैं, फिक्र मत करो। गुड, तो फिर शुरू करते हैं। ये लो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सच में? इनेस, हे लूना डिफेंस करो। हे मुझे ऐसा अकेला मत छोड़ो। इनेस पीछे से। अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्या हो गया लूना, तुमने तो बॉल लेने की कोशिश भी नहीं की। सॉरी मैं एक मिनट के लिए ब्लैंक हो गई थी, पर डोंट वरी अब ठीक हूँ। ओके फिर से करते हैं। लूना कूदो। ओ नो, फिर से नहीं। नींद से जागो लूना। ठीक है, नया अटैक ट्राई करते हैं। जाओ सैमी, रुको उसे। अरे यार नहीं नहीं, कम ऑन, तुम ये जानबूझकर कर रही हो क्या? ओके आज के लिए इतना काफी है, हम कल इससे अच्छा करेंगे। इससे और बुरा तो कर ही नहीं सकते। कल हम अच्छा खेलेंगे, प्रॉमिस। तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? चलो अब एक दूसरे को चैलेंज करने के बाद कम से कम दोनों शांत तो लग रहे हैं, है ना? कुछ ज्यादा ही शांत। हाँ, मैं घर पहुँचते ही सैमी से बात करने की कोशिश करूँगा। तुम दोनों को पक्का कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, हाँ, सब ठीक है, है, कोई परेशानी नहीं। हम ठीक हैं। तुम ठीक हो सैमी? हाँ ठीक हूँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लग रहा है जैसे तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, सोचा शायद तुम्हें मेरी मदद चाहिए। नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सैमी इसे क्या हो गया है टैग? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सैमी मुझसे कुछ छिपा रहा है, काश मैं उसकी मदद कर पाता। टैग, उसे खुद ही ये समझना होगा कि हमेशा अपने दिल की बात कहनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, जब उसे महसूस होगा वो आकर तुमसे बात करेगा। अगर नहीं करता है तो मतलब वो खुद प्रॉब्लम सुलझा सकता है। शायद आप सही हैं। तुम्हें भी अच्छी नींद नहीं आई? जरा भी नहीं आई, मैं तो सुबह 4 बजे तक बस करवट ही बदलता रहा दोस्तों। मुझे रात भर सपने में हमला करते हुए ज़ॉम्बी कैमरा भी दिखे, फिर मैंने देखा कि पॉल ने हमें टूर्नामेंट और द टीम से निकाल दिया है। उसके बाद हम मामूली ऑडियंस की तरह बस बाहर बैठकर गेम्स देख रहे हैं। सैमी, लूना, जॉय, तुम आ रहे हो? अरे बाप रे, तुमने कभी सुना है कि बुरे सपने सच भी होते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि कभी कभी वो सपने सच हो जाते हैं। बच्चों आ रहे हो या नहीं? आ रहे हैं, बस अभी आए। हमें माफ कर दीजिए, हमने वो सब जानबूझकर नहीं किया। सच है, और वहाँ हम अकेले नहीं थे। तुमने सही कहा, तुम अकेले नहीं हो, सब गेम शुरू करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, चलो अपनी जगह ले लो। लगता है उन्होंने उसे नहीं देखा है। सही कहा, अब तक तो नहीं। मुझे लगता है वो जानते हैं, पर सजा के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी तरफ कैसे देख रहे थे? मैं सबको चैलेंज याद दिला दूं, गोल करने से पहले हर प्लेयर को 2 अपोनेंट्स के पास से ड्रिबल करके शॉट मारना होगा। द टीम का गोल होगा प्रोमेनेड के नॉर्थ साइड पर, उन सीढ़ियों के नीचे जो लैबिरिंथ तक जाती हैं, और डार्क साइड का गोल होगा प्रोमेनेड के वेस्ट साइड, चबूतरे के नीचे। सब तैयार हैं? हम तैयार हैं। तो शुरू करो। सामी ऐसे खड़े मत रहो, तुम तो मुझे रोकने का सपना ही देखो। संभल कर जोई। शॉट रिबल था। ऐसा तुम्हें लगता है? सामी अब तुम्हारी बारी, बॉल पर नजर रखो, देखो ऐसा ही होता है। थैंक्स सैमी, पर मैं अब देखो, जाओ स्लाइड, खादो उन्हें गोल कैसे करते हैं। दोनों ट्रिपल सही थे, अब डार्क साइड गोल करने की कोशिश कर सकता है। करेंगे, लो पैड। लूना रोको उसे। ओ लूना, तुमने उसे जाने दिया। वापस जाकर उसे रोको। दो ट्रिपल्स थे, डार्क साइड का पहला गोल, डार्क साइड ने अपना खाता खोल लिया। तुमने फैट को रोका क्यों नहीं लूना? वो पॉल मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे पता है वो कैमरा के बारे में जानते हैं। क्या सच में? मुझे यकीन है। ठीक है द टीम, गेम जारी रखो। ये लो। नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। अरे यार जॉय, दिली रन से बचना, तुझे नहीं रोक पाओगे। पहला ड्रिबल सही है, बहुत अच्छे दिली। अब मैं चुटकी से निपटता हूँ। उसके पीछे रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। ओह नो,
पहला ट्रिपल भी सही था और गोल भी, डार्क साइड का दूसरा गोल। वो सब क्या था, देखा तुमने क्या कर दिया, सामने से उन्हें बॉल दे दी। सॉरी, पर शायद लूना सही है, बॉल को देखो, वो जानते हैं हमने कैमरा तोड़ा है, वो कब से हमें घूरते ही जा रहे हैं। अरे बाप रे, लग तो यही रहा है। जोई चलो। ठीक है ग्रैंड, मैं करूंगा। वो एक सिर दर्द है। मैंने वापस ले ली। ये नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है। चलो हम उन्हें जीतने नहीं दे सकते। टिमी का ट्रिपल सही था। गोल कर दो। मैं बाहर आ रहा हूँ। जोई वाला ट्रिपल सही। सारे ट्रिपल सही थे, एक और गोल हो गया है। डार्क साइड अब 3 गोल्स करके आगे हैं। फर्स्ट हाफ यही खत्म होता है। मुझे एक नई विसल की जरूरत है, अपने ऑफिस से लेकर आता हूँ। मैं सेकंड हाफ के लिए वापस आता हूँ। नई विसल से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तो हार चुके हो। ओह नो, अब क्या होगा। उन्हें तो अपने ऑफिस से सारे टीवी कैमरास देख जाएंगे। ओह नो, अगर उन्होंने अब तक वो देखा नहीं होगा तो अब तो वो यकीनन उसे देख ही लेंगे। हम तो गए यार। बता देना चाहिए था। हाँ, कम से कम अब पता चल गया है तुम्हारी परेशानी क्या है। मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा था, गिल्टी फील कर रही थी। लग रहा था कि पॉल अजीब तरह से मुझे देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ गलत किया हो। मुझे भी। हम इस तरह से नहीं खेल सकते, हमने पूरा फर्स्ट हाफ तो गवा दिया है, अब सेकंड हाफ में कुछ करना होगा। हमें टैग को बताना होगा, वो जरूर हमारी मदद करेगा। तुम्हें लगता है क्या उसे सब कुछ बताना पड़ेगा? हाँ, मेरे ख्याल से यही सही होगा। अब चलो बताओ। ये रही विसल्स, अब मैं कौन सी वाली लूं? ओ हाँ, मुझे याद है, ये वाली बहुत अच्छी है। परफेक्ट, ये बिल्कुल सही रहेगी। पर ये क्या है? तुम यहाँ हो टिपिक्स, तो तुम्हें भी उस ब्लैंक स्क्रीन को देखकर अजीब लग रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने कल वो कैमरा ठीक किया था। हमें जाकर देखना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है इससे पहले कि पॉल को टूटे हुए कैमरा के बारे में पता चले, तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए। पर वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। सही कहा, पर अगर तुमने नहीं बताया तो बात और भी बिगड़ जाएगी। सब लोग यहाँ आओ, मुझे सभी टीम्स यहाँ पर चाहिए फौरन। लगता है उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या हुआ पॉल? पार्क के साउथ साइड वाला एक सर्वेलेंस कैमरा बहुत ही बुरी तरह से टूट गया है। इन सब की गलती है, मैंने खुद देखा था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है स्लाई? हाँ, पक्का। वो बात ये है कि हाँ, मैंने इसे कहा भी था कि वहाँ खेलना सही नहीं होगा, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। तो फिर वहाँ मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड कैसे मिला स्लाई? वो मैं वहाँ था पर कैमरा। तुम्हें अपनी गलती दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए, उसे तुमने तोड़ा था। तुम तो पीछे सबूत भी छोड़ दो, मुझे तुम्हें इस गेम से बाहर निकालना होगा और तुम्हारी सजा हम बाद में तय करेंगे। मेरी बात तो सुनिए। अब चलो गेम जारी रखें। ये क्या हो गया? मुझे लगता है कि यही सही वक्त है अपनी बात कहने का। लूना, सही कहा पॉल, दरअसल वो कैमरा मुझसे टूटा था। इसलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मुझसे टूटा था, सैमी ने कुछ नहीं किया। पर ये तो नहीं, असली गुनहगार तो मैं हूँ। लगता है यहाँ पर बहुत सारे गुनहगार हैं। कम से कम 4 प्लेयर्स हैं, मतलब कि बहुत सारे। ये गेम कैंसिल हो जाना चाहिए, पर ये उनके साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने कुछ नहीं किया है। देखो, तुम सब अब इस गेम को खत्म करोगे और इस मामले को हम बाद में देखेंगे। चलो शुरू करो। तो जब तक तुम्हारी सजा नहीं सुनाई जाती, तुम्हें लगता है कि डार्क साइड को हरा सकते हैं? बिल्कुल। चलो, सेकंड हाफ शुरू होता है। ये है एक असली विसल की आवाज। चलो जोई। पहले तुम शुरू करो इनेस। थैंक यू। ट्रिपल सही है। ग्रेट पास करो। सेमी रिबाउंड। अब देखने जाओ। दूसरा ट्रिपल भी सही। रीना, तुम तैयार ही रहना, हम जल्दी तुमसे वापस मिलने आ रहे हैं। ये गोल सही था। द टीम ने अपना खाता खोल लिया है और अब बॉल डार्क साइड के पास। 2 अच्छे ड्रिबल्स होने पर ही गोल माना जाएगा। नहीं कर सकता। ये रहा सबूत। जाओ सामी। पहला ड्रिबल, दूसरा ड्रिबल, अब तुम शूट कर सकते हो। तुम्हारे लिए कहना आसान है। द टीम का दूसरा गोल। ठीक है, मैं कर लूंगा। सामी का पहला ड्रिबल। जरा उसे घेरो, क्या कर रही हो? ग्रेट ने किया दूसरा ड्रिबल। के लिए तैयार हो जाओ। अब दोनों टीम्स बराबरी पर हैं। 15 सेकंड बचे हैं, गेम का आखिरी पड़ाव है ये। चलो ग्रेट, तुम पहला ड्रिबल, दूसरा ड्रिबल, तीसरा, अरे कोई रोको उसे, और चौथा ड्रिबल। टीम 4 गोल्स के साथ जीत गई है। जोई, लूना, सैमी और स्लाई, सब यहाँ आओ। तुम्हारी सजा यह है कि अगले वीकेंड तुम सब बेसमेंट में पड़ी हुई चीजों को साफ करके ऑर्गेनाइज करोगे। सही औजार, सही बक्सों में,
हर वायर अच्छी तरह से लपेटी हुई। मुझे वो जगह एकदम साफ सुथरी और अच्छी दिखनी चाहिए। हमें शुरू कब करना है? सैटरडे सुबह ठीक 8:30 बजे। पर ग्रेग और तुम्हें ये नहीं करना है। हम एक टीम है, सिर्फ फील्ड पर नहीं बाहर भी, इसलिए हम मदद करने आएंगे। शाबाश, बहुत अच्छी सोच है। ठीक है तो सैटरडे को मिलेंगे। आप पर हम नहीं, बाय बाय। तुम मेरी मदद करने तो आओगे ना? हमें और भी जरूरी काम है। लगता है उनकी सारी टीम स्पिरिट हवा हो गई। अगर मैं वो सब नहीं करती तो तुम्हें ये सजा मिलती ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो सारे चैलेंजेस तो मैंने सोचे थे, तुमने नहीं। वो चैलेंजेस तो मैंने सोचे थे, मैंने। बिल्कुल नहीं, मैंने सोचे सारे थे। सारे चैलेंजेस के बाद अब ये दोनों मैंने सोचा था, तुमने सोचा था वाला गेम खेल रहे हैं। ये दोनों भी ना।